नर्मदे हर। देखिए सुबह का मौसम है, हवा चल रही है और मौसम अच्छा है और बादल भी हो रहे हैं, देख रहे होंगे आप। और हम हैं अभी श्री कमलापति आश्रम पर। तो कमलापति आश्रम पर एक्चुअली हमारी एक संत जी हैं, संत महात्मा जी जो परिक्रमा कर रहे हैं, जिनसे हमारी मुलाकात नर्मदा जी के उत्तर तट पे हुई थी और वो भी बांद्रा भान में ही, क्योंकि बांद्रा भान जगह नर्मदा जी के उत्तर तट पे भी है और दक्षिण तट पे भी है। सॉरी, उत्तर तट पे नहीं, हमारी मुलाकात हुई थी दक्षिण तट पे। इस समय हम उत्तर तट पे खड़े हैं। तो यहाँ पर तो उन संत से बात हुई थी, क्योंकि नंबर था हमारे पास तो बात हुई थी, तो वो यहीं आसपास आ गए थे। तो हमने कहा प्रभु जब यहाँ आ गए हैं तो थोड़ा सा जल्दी आ जाइए और चतुर्मास आपको करना है तो चतुर्मास यहाँ श्री कमलापति आश्रम पर कर लीजिए। तो उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की, बोले ठीक है आप कहते हैं तो कमलापति आश्रम पर कर ले देंगे। तो वो संत शाम को आ गए थे, तो आइए उनसे, उन्हीं संत से थोड़ा सा मिलते हैं कि पहले तो पीछे की परिक्रमा का उन्होंने वृतांत बताया था मुझे और अब आगे की परिक्रमा उनकी कैसी क्या रहती है और कैसी क्या रही है, तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं। शाम को आए थे तब तो ऐसी चर्चा नहीं हुई, तो अब बैठ के चर्चा करते हैं और आप लोगों को भी सम्मिलित करते हैं उस चर्चा में। और देखिए कि चूँकि वो नर्मदा जी के जल के किनारे किनारे परिक्रमा करते हैं और नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं और अकेले ही परिक्रमा करते हैं, ग्रुप में उन्हें पसंद नहीं कहते, ग्रुप में भजन नहीं हो पाता है। तो आइए मिलते हैं उन संत जी से और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और भगवान आपकी परिक्रमा, पिछली बार चतुर्मास में हम लोग मिले थे बांद्रा भान उत्तर तट पे, उत्तर तट पे, दक्षिण तट पे मिले। हाँ सॉरी, दक्षिण तट पे। आप आज उत्तर तट पे बैठे हैं और लगभग देखा जाए तो एक वर्ष हो गया। नहीं सात आठ महीने हो गए। नहीं, परिक्रमा करते हुए आपको आठ महीने हो गए। वैसे अगर देखा जाए तो चतुर्मास से एक वर्ष। हाँ, एक वर्ष हो गया। हाँ जी। तो आपकी आगे की परिक्रमा कैसी रही, कुछ अनुभव शेयर कीजिए। हाँ, इधर की सूलपाणी जी मुख्य परिक्रमा है, सूलपाणी। अच्छा। इस साइड लक्कड़कोट की झाड़ी है। हाँ। ये मुख्य परिक्रमा है जी। तो यहाँ के कुछ अनुभव आपको जो हुए हों, कोई ऐसी घटना जो मतलब अजीब सी घटना रही हो। अब उधर की है तो हर घटना अजीब ही होती है। हाँ, क्योंकि वो तो अलग ही वो होता है जी। हाँ तो उस घटना को क्या बताएं, अब वो तो जो करता है वो ही अनुभव करता है उसके। अच्छा अच्छा। हाँ। आनंद ही है। और नहीं, रास्ते चलते कुछ ऐसी घटित होती हैं जो रहती है याद में कि वहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो एक घटना हुई थी। कौन सी? एक वो एक्सीडेंट वाली, बाबा का एक्सीडेंट हुआ था एक। हाँ सुनाऊं? क्या क्या हुआ था भगवान? वो बाबा का एक्सीडेंट हुआ था, जो साथ थे हमारे। और एक शुरू से सुनाऊं क्या? हाँ शुरू से बता दो भगवान, क्या हुआ था। हम परिक्रमा कर रहे थे जी। तो एक छोटी सी जगह पड़ी, एक महात्मा मिले हमको, उनकी उम्र 80-85 साल की होगी जी।
बहुत सारा वो सामान रखे हुए थे, हमने सोचा इन्हीं के साथ चल दो, नंगे पैर थे वो भी, तो इन्हीं के साथ परिक्रमा चल रहा था। तो एक छोटी सी जगह पड़ी, रोड निकला हुआ था, दुकानों का नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी, छोटी सी जगह थी जी। तो एक मोटरसाइकिल वाला पीछे से आया, महात्मा को उन्होंने टक्कर मार दी और उनका ये गमछा जो है वो गाड़ी में फंस गया। तो वो महात्मा जी गाड़ी के साथ उसके धुचड़ते हुए चले गए रोड पे जी। उनके बहुत सारा खून ऊन आ गया। और वैसे तो ज़्यादा नहीं लगी उनको, हड्डी हड्डी वगैरह नहीं टूटी, खून वगैरह में हो गए थे वो। जब उनका गमछा फट गया तब वो मोटरसाइकिल से छूटे जी। तो एक भैया आए, वो 40-45 साल की उम्र होगी उनकी, नई उम्र के, उन्होंने महात्मा को गोद में रखा, उठाया हाथ से और दूर क्लिनिक थी थोड़ी सी नीम के पेड़ के पास, तो उन्होंने हमसे कहा कि महात्मा जी आप इनका सामान लेके, सब सामान उनका बिखर गया था, सब सामान लेके आइए और हम इनका इलाज करा रहे हैं। महात्मा जी का वो क्लिनिक दिख रही है नीम के पास। हम महात्मा का पूरा सामान ले गए, वो रोड पे फैल गया था और उन्होंने उनका इलाज कराया। इलाज में घंटा एक लगा, आध पौन घंटा लग गया पूरे में, क्या है पट्टी अट्टी हो करना पड़ी। डॉक्टर से कहा, वो भैया ने जो ले गए थे उठा के, उनके कपड़े भी खून ऊन में हो गए थे क्योंकि महात्मा को बहुत खून आ गया था। तो उन्होंने कहा कि आप महात्मा की अच्छी वो दवा करना जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि महात्मा परिक्रमा में है। डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया उनका, पट्टी अट्टी की जी। हमने उनसे कहा कि भाई, डॉक्टर से पूछा कितना पैसा हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि 470 रुपये हुए इलाज के। अच्छा, तो दवा सब उन्हीं ने दी थी क्योंकि उधर स्टोर दवाई की नहीं थी, वो तो वो ही दवा देते थे। तो उन्होंने कहा 470 रुपये तो हम देने लगे, वो भैया जो उठा के ले गए थे उन्होंने नहीं देने दिए। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं महाराज जी पैसे तो हम देंगे। हम कहा नहीं नहीं, आपने उठा लिया महाराज जी को, इतना सब करा दिया, यही बहुत है, आप पैसे मत दीजिएगा। तो वो बोले नहीं नहीं महाराज जी पैसे तो हम ही देंगे। उन्होंने 500 का नोट दिया डॉक्टर को और डॉक्टर ने जो है 30 रुपये वापस दिए। वो 30 रुपये भी उन्होंने महाराज जी को दे दिए जो उनका एक्सीडेंट हुआ। अब वो बोले कि इलाज हो गया, कहने लगे कि महाराज जी अब हम जाएं। तो हमने कहा हाँ भैया जाइए आप, अब हम भी जा रहे हैं और कहा है अब हम कहीं आश्रम पे जा कर रुकेंगे। महाराज जी से भी हमने कहा कि जहाँ पहला आश्रम पड़ेगा वहीं जा कर रुकेंगे अपन, जब तक आप सही नहीं होंगे, आपके घाव ठीक नहीं होंगे। अब हम लोग निकल पड़े। अब जो पूरा गांव निकल गया, रास्ते में एक छोटी सी टपरी पड़ी, कोई गरीब आदमी की थी, बहुत टूटी फूटी टपरी थी, उधर नल लगा हुआ था। तो हमने सोचा पानी भर ले, तो हम पानी भरने लगे हमारे कमंडल में। तो वहाँ से एक बालिका निकली उस टूटे फूटे घर से, उसने कहा कि महाराज जी चाय पी लीजिए। हमने महाराज जी से पूछा, वो जो साथ थे तो उनसे पूछा कि चाय आप पियेंगे क्या, तो वो बोले कि हाँ इसी बहाने से आराम भी कर लेंगे, थोड़ा सा बैठ लेंगे। बात वो अब देखना आगे क्या होता है। तो अब वो घर में उसने चटाई बिछा दी, बच्ची ने वो चटाई बिछा दी। तो हम लोग चटाई पे बैठ गए, वो चाय बनाने लगी। बगल में एक बूढ़ी माँ जी बैठी थी और वो बहुत ऐसे लग रही थी टेंशन में हो, अंदर से आवाज़ आ रही थी जैसे कि
किसी की तबीयत खराब हो, किसी लेडीज की कराहने की आवाज़ आ रही थी। तो हमने वो माँ जी से पूछा कि माँ जी किसी की तबीयत खराब है क्या, जे किसकी आवाज़ आ रही है, जे आवाज़ किसकी तबीयत खराब है। तो वो माँ जी बोली कि हाँ महाराज जी क्या बताएं, हमारा लड़का इतना बेकार है कि वो अभी तक लौटा नहीं है, दवा लेने गया है, डॉक्टर को तो बुलवा ले आया था मगर अभी तक वो लौटा नहीं, और वो दवा लेने गया है, दवा लेके नहीं आया। तो कहले महाराज जी सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग गरीब आदमी हैं, उस बूढ़ी माँ ने कहा, और घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और बहू की बहुत तबीयत ख़राब थी, उसके लड़के की बहू की, और हमरे जो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि हमारे जो 300 रुपये महीने शासन से मिलते हैं, तो 2 महीने के पैसे पड़े थे, तो उन्होंने कहा कि हम वो 600 रुपये निकाल के लाए, तब कहीं जाके बहू का इलाज डॉक्टर को लाया लड़का उसका, और 100 रुपये तो डॉक्टर ले गया, और 500 रुपये लेके गया है दवाई लेने के लिए, अभी तक 1 घंटा हो गया लौटा नहीं है। हमने भी कहा कि सही में आपका लड़का बेकार है, वो कहले और हमारी बहू की इतनी तबीयत ख़राब है कि उसका 1-1 मिनट कैसे गुजर रहा है हम ही जानते हैं। तो हमने कहा हाँ लौटना चाहिए, ऐसी आपको भी उस बच्चे पे गुस्सा आ रहा होगा। हाँ हमें भी लग रहा था कि इनका लड़का बेकार है, अब कौन है हमको ये थोड़ी पता था। हम लोग चाय, काली चाय पी ही रहे थे तभी वो लड़का आ गया, वो लड़का कौन था जानते हो, वो लड़का जो एक्सीडेंट हुआ था महात्मा का, जिसने इलाज करवाया था, वो 500 रुपये उसी ने दिए थे इलाज के लिए, वो ही लड़का था। वो देख के वो पहचान गया और बोला कि महाराज जी क्षमा करना, हम आपको चाय के लिए नहीं ला पाए घर पे। तो हमने कि कोई बात नहीं है, हम तो खुद ढूंढती हुआ, अगर हमको थोड़ी पता था कि ये घर उसका है, हम तो सिर्फ वो बालिका ने बोला और हम चला गए, रुक गए। तो अब वो जैसे ही वो लड़का आया, उसकी माँ और उसकी लड़की बोली कि पापा वो जल्दी से दवा दे दो, मम्मी को दवा दे दें, उनको बहुत बेचैनी हो रही है। तो अब वो लाया हो तो दे दे, वो तो 500 रुपये थे ही और वो हमारे महाराज जी में लगा दिए थे। वो माँ जी जो बूढ़ी थी, माता जी, वो उन पर चिल्लाने लगी कि जल्दी से दे दे दवा, कहाँ रखे। जो बीमार थी वो कौन थी? उसकी बहू थी, उसकी पत्नी, उसकी पत्नी थी। हाँ भगवान वो तो बहुत धन्य है। हाँ तो हाँ, और वो बूढ़ी माँ जी वो उस पर चिल्लाने लगी, बोली कि वो दवा के लिए हमने पैसे दिए थे 500 रुपये, तू क्यों नहीं लाया। तो वो बोला कि हम शाम तक जुगाड़ करके ले आएंगे। तो वो कहले वो तो ठीक है मगर तू कहाँ करके आया जो हमने पैसे दिए थे। हमको सब कुछ पता, समझ में आ गया कि वो 500, हाँ क्योंकि उसने तो इलाज कराया था, हमको पता था। तो हमने कहा कि माता जी वो नहीं बताएंगे, हम बताएंगे। उसके सामने के जेब में वो हमें पर्चा दिखा, वो पर्चा रखे था जो डॉक्टर का, हमने वो निकाला, हमने यही पर्चा है डॉक्टर ने जो लिखा है, कहले हाँ यही पर्चा है मगर महाराज जी तुम मत लाना दवाई, दवाई तो हम ही लेके आएंगे। तो हमने कहा नहीं, तुमको जो करना था वो कर चुके, हम वो दवाई लेके आए। फिर माँ जी ने कहा कि वो पैसे कहाँ कर दिए, तूने महाराज जी से दवा मंगवा रहा। हमने कहा वो नहीं बताएंगे, हम बताए रहेंगे सब बात। तो सब बात हम पूरी घटना उनको बताई। तो वो माँ जी बोली कि महाराज जी हमारा लड़का ऐसा बेकार है कि ऐसे काम करता है, तो कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है घर, और वो उसने बाबा के इलाज करा दिया उस पैसे उतने। तो हमने कहा कि आपका कई जन्मों का पुण्य है जो ऐसा लड़का पैदा हुआ है, ऐसा का कोई कर सकता है, कोई महान पुरुष कर सकता है, बहुत मुश्किल है। हाँ तो बात 500 की नहीं है, ऐसे 1500 तो कई लोग परकम्मा वासियों पे खर्चा कर देते हैं। बात तो वो है कि उसके पास उतने ही पैसे, टोटल पूंजी उतनी उतनी, और उसकी तबीयत खराब उसकी पत्नी की, और कोई भी होता तो अपने घर के बारे में पहले सोचता मगर उसने अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा। एक प्रभु आपको वो बता रहे थे कि नम किसी को सांप ने काट लिया था, कौन था वो? हाँ एक वो एक महिला थी। हाँ। और गंजबा सौदा की थी वो। अच्छा। उस साइड की थी। हाँ, उनके साथ एक बाबा थे, एक माता जी थी। तो एक
टूटी फूटी आश्रम सा पड़ा, टूट आश्रम नहीं था वो, वो तो खेत में जो किसानी करते हैं ना खेत वाले, वो खेत वाले अपना किसानी का सामान रखने के लिए वहाँ पर वो टूटी फूटी टपरी डाल लेते हैं, उसमें उनका सामान रखा रहता है, जो पाइप वगैरह जो उनके कई सामान किसान के, तो वो रखा था तो उसी में वो रोक लेते हैं। अच्छा, परकम्मा वासियों को वो ही जो खेत वाले हैं वो जितनी सेवा उनसे बनती है वो कर देते हैं। तो उसी में रुके हुए थे 8-10 परकम्मा वासी और थे उसमें, हम भी वहाँ थे जी। तो वो बाबा को सर्प ने काट लिया रात को 3-1 बजे उंगली में, परिक्रमा में थे। हाँ वो उनको सर्प ने काट लिया। तो अब हम भी तो नींद लगी थी, हमको कुछ पता नहीं था, वो बाबा बोले कि हमको पीला पीला देखने लगा और ऐसा उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ सी उनको समझ आने लगी। फिर वो उनकी जो साथ उनकी पत्नी थी बाबा के, तो वो तेज तेज रोने लगी, हमारी नींद खुली, हमने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी सांप ने काट लिया इनको। तो हमने कहा घबराओ मत, हमने कहा हम कुछ, हमने सोचा हम महाराज जी कुछ नहीं जानते, मन में हमने कहा कि हम कुछ जानते नहीं हैं, मगर अब इसको तो ठीक करना है। हम सत्य कह रहे हैं आपको, हम कुछ नहीं जानते ना, झाड़ा फूकी हम कुछ नहीं जानते, सांप के बारे में तो जानते ही नहीं बिल्कुल। तो मगर हमने सोचा कि हो सकता है सही हो जाए, उसकी शंका वाली बात है। तो हमने कहा ठीक है तुम ठीक हो जाओगे, हमने उनको झाड़ा फूका, जबकि हम कुछ नहीं जानते झाड़ना, वो तो एक नीम के पत्ते से उसको ऐसे ऐसे करा। हमका ठीक हुए, ठीक हुए के लिए हाँ होते जा रहा, उनको शंका, हमने उनको इतना विश्वास दिला दिया, उनको विश्वास हो गया, विश्वास दिला दिया कि हमने उनसे कहा कि हम झाड़ देते हैं और सांप का काटा सही हो जाता है, उनको हमने ऐसा विश्वास दिला दिया, तो उनको विश्वास हो गया। तो हमने झाड़ा फूकी उनकी करी तो वो सही हो गए, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी उनके फ़ोन आते हैं हमारे पास, फ़ोन आते हैं। हाँ क्या बोलते हैं वो, कहते हैं महाराज जी आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बचा लिया। हाँ। जबकि हम कुछ नहीं जानते, वो तो उनके मन से शंका निकल गई। हाँ वो शंका की बात, हमने कहा इनकी शंका दूर हो गई तो मतलब आपका काफी रोमांचक सफर रहा। अच्छा सफर रहा, आनंद आया। आपके जल के किनारे कर रहे हैं परिक्रमा? हाँ किनारे कर रहे हैं, मगर अब कहीं कहीं डैम की वजह से अब वो तो मजबूरी छोड़ना पड़ती है नर्मदा को, नर्मदा ही छोड़। हाँ अब कहीं कहीं ये जैसे सूलपाणी झाड़ी में जो सरदार सरोवर डैम बना हुआ, अब वो उसके चक्कर में तो बहुत दूर से निकलना पड़ता है। अच्छा झाड़ी पार करते हुए आनंद ही है, आनंद झाड़ी में सबसे ज़्यादा आनंद है। अब तो लगभग आपकी परिक्रमा पूर्ण, अब तो पूर्ण होने पर आई। चलिए एक चतुर्मास यहाँ कीजिए, अगले वर्ष में पूर्ण कीजिए परिक्रमा। बहुत अच्छा लगा प्रभु। तो प्रभु जंगल एरिया भी पड़ता होगा रास्ते में? और ये झाड़ी पूरी जंगल ही जंगल है, ये सूलपाणी झाड़ी। अच्छा ऐसे पहाड़ जो पीछे दिख रहे हैं आप, ऐसे पहाड़ को चढ़ना उतरना ऐसे पहाड़ों पे चढ़ना फिर उतरना वही तो झील है, इसलिए वहाँ तो भगवान बहुत टाइम लगता होगा। बहुत टाइम लगता है, दिन भर में कितनी पहाड़ी उतरना कितनी चढ़ना ये कोई गिनती नहीं होती। नहीं तो एक पहाड़ी चढ़ने के बाद फिर दूसरी तो हिम्मत भी नहीं पड़ती होगी। होगी मगर क्या करो, बहुत जल्दी से पार करना की लगती है कि पार। अच्छा वहाँ कोई आश्रम वगैरह भी? आश्रम कुछ नहीं है, ये लोग वो जो पहले लूटते थे कहते हैं वो भील लोग। अब वो लोग सेवा करते हैं, मगर सेवा वो बहुत अच्छी करते हैं, उनके पास होता तो कुछ नहीं है। क्योंकि उधर ना जमीन है ना कुछ है, वो क्या करें, वो तो जो कुछ मक्के की रोटी बाजरे की रोटी ये सेवा करते हैं, मगर वो अच्छे मन से करते हैं सेवा। मतलब पहले भी लूटते थे अब भी लूटते हैं? हाँ अब वो मन लूटते हैं, अब मन लूटते हैं। अच्छा इतनी सेवा करते हैं। हाँ तुम्हारी जाली का तो वास्तव में बहुत अच्छा। चलिए प्रभु बहुत अच्छी आपकी यात्रा रही नर्मदा जी की,
और हमारा सौभाग्य देखिए कि पिछले चतुर्मास में दक्षिण तट पे आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ, यहाँ इस चतुर्मास पूरी हो गई तब भी आपने अनुभव पहले उतनी का अनुभव लिया था। आधी का अनुभव आपने पहले ले लिया, पहले ले लिया और आधी का आप में ले गया। पूरी परिक्रमा हो गई एक तरीके से, मानसिक परिक्रमा तो हो ही गई। बहुत अच्छा लगा। वो बांद्रा भान में ही देखिए मुलाकात हुई थी, बांद्रा भान में ही। बहुत अच्छा। नर्मदे यार, नर्मदे।